वज़ीरे आज़म वज़रा में अख्तिलाफ़ात ख़त्म करवाने में सरगर्म। फैसल वाडा असद उमर शाह महमूद से मुलाकात ने तलखियों पर बातचीत। असद और कुरैशी की वजाहतें वाडा ने तहफ़ात से आगाह किया। उस्मान डार की मौजूदगी में असद उमर और फवाद चौधरी की मुलाकात। फैसल वाडा की सदर आरफ अलवी से मुलाकात। लाहौर के कई इलाके बंद। अंदरून शहर के इलाके मुकम्मल सील। गोलबर्ग मॉडल टाउन फैसल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन। PCSIR फेज दो की नाल व्यू पर वाबडा टाउन बंद। लॉकडाउन एक हफ्ते तक जारी रहेगा। सियालकोट के दबंग SHO मलक नदीम इन एक्शन। शहरियों में मास्क तकसीम करने की मुहिम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िला सदर जहांगीर कादरी की भी शिरकत। इससे कबल शकील खान ASI ने भी मुहिम चलाई। वज़ारत मज़हबी उमूर का आइंदा हफ्ते से दरख्वास्त गुजारों को रकम वापस करने का फैसला। वज़ारत मज़हबी उमूर ने बैंकों से मशावरत मुकम्मल कर ली। रकम की वापसी का शेड्यूल आज जारी होने का अम्कान। फीकस 4,85,000 से 95,000 रुपये वापस किए जाएंगे। पीर सैयद शहबाज हसन उर्स की तकरीबात। मलक असलम कादरी की सियालकोट में रहाइशगाह पर इजतमा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िला सदर जहांगीर कादरी की शिरकत। मलक अमर कादरी दीगर भी हमरा थे। परी मानसून सीज़न शुरू। जून ठंडा हो गया। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद चनोट ओकारा साहिवाल गुजरनवाला। गुजरात में भी रिमझिम। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश ने समा बांध दिया। रवां साल आलमी मईशियत को $2,000 अरब का नुकसान। तक्के कोरोना के बाइस दुनिया की GDP 4.9% गिर जाएगी। IMF तरक्की याफ्ता 8% तरक्की पजीर ममालिक की मईशियत 3% गिरेगी। सिर्फ चीन की मईशियत में 1% इजाफे का इम्कान। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फैज़ुल हसन चौहान नोटिफिकेशन। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फैज़ुल हसन चौहान ने चौधरी मोहम्मद उमर कसाना को तर्जमान हुकूमत पंजाब नामजद कर दिया। इस ज़मन में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।